दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि मोबाइल फोन को खोलते कैसे हैं। पीछे का ढक्कन खोलने में दिक्कत होता है, जैसे ये फोन कैसे खुलेगा, ये फोन कैसे खुलेगा, ये फोन का ढक्कन कैसे खुलेगा, इसका ढक्कन कैसे खुलेगा, इसका पीछे का बैक पैनल कैसे खुलेगा, इसका पीछे का बैक पैनल किसे खोलेगा, क्योंकि बहुत सारा बैक पैनल डायरेक्ट नाखून से खोलते निकल जाता है, बहुत सारा फोनों को हीट करके खोलना पड़ता है। तो चलो आज हम इसके बारे में डिटेल बताते हैं। जैसे ये आपका ओल्ड फोन है, पुराने टाइम का फोन है, तो इसको खोलने के लिए पहले देखो यहाँ पे कुछ उचड़ने जैसा नहीं है और यहाँ पे लग रहा है कि नाखून से खुल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सिम ट्रे को निकालना है, नाखून थोड़ा मजबूत होना चाहिए, या फिर इसको ओपनर भी प्लास्टिक का आता है वो भी आपके पास होगा तो चलेगा। ऐसे लगाएंगे नाखून को, यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिम ट्रे है ना, तो यहाँ पे पतला रहता है, नाखून डालने में आसानी होता है। ऐसे डालोगे, इस तरह से करोगे और ऐसे आप मूव करते जाओगे, घुमाते जाओगे। कुछ कुछ फोन ऐसे रहेंगे जो ज्यादा हार्ड रहेगा, ज्यादा टाइट रहेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से करके इस फोन को आराम तरीके से खोल लोगे, क्योंकि पीछे का बैक पैनल खोलना भी एक नए स्टूडेंट के लिए टफ है। जो पुराने लोग हो और जो इसका हीरो हो उसको चुपचाप रहना है, जो नया है उसके लिए ये है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कॉमेंट करने लगता है ये क्या बता रहा है, लेकिन नया स्टूडेंट के लिए हर चीज टफ है। इस फोन को कैसे खोले वो आप देख लिए नाखून के सहायते से, और ये वीडियो जो बन रहा है वो नए लोग हैं जिसको खोलने में दिक्कत होता है। कुछ फोन ऐसे हैं, ये भी फोन है, तो ये भी फोन हमको यहाँ पे देखो कहीं उचड़ने का कुछ दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है, तो ये वाले फोन भी हमारा ऐसे ही खुलेगा, ठीक है। तो पहले आप सिम ट्रे को निकालोगे, सिम ट्रे निकालने के बाद नाखून को डालोगे और इस प्रकार से आप नाखून को घुमाते हुए चलोगे, ऐसे ऐसे घुमाते हुए चलोगे, ये रहा, इस तरीके से खुलेगा। हमारे पास में एक और फोन है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाले फोन में भी देखो कुछ उचड़ने का दिया हुआ है, उचड़ने जैसा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो इसका भी सिम ट्रे आप निकालोगे और नाखून को ऐसे डालोगे इस तरीके से। अलग अलग फोनों को हम आपको बता रहे हैं ताकि आप धीरे धीरे चीजों को समझ जाए कि कौन सा फोन को कैसे खोलेंगे। ये वाले फोन रहा, इस तरीके से खुल गया। फिंगरप्रिंट थोड़ा ध्यान से खोलना है, ये पत्ता टूट जाएगा, तो फिंगरप्रिंट जब जिसमें रहेगा उसको धीरे धीरे करके इसको उठाना है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास एक और फोन है, ये जो फोन है इसमें देखो सिम ट्रे यहाँ लगा हुआ है, ये भी फोन उचड़ने जैसा नहीं दिख रहा है ना, दिख नहीं रहा है, किसी किसी में रहेगा लेकिन फिर भी वो ऐसे खुलेगा, है ना, हल्का सा यदि ये हीट करके खोलना पड़ेगा तो उसके अंदर नट लगता है, यदि भी लगे कि ये हीट करके खुलेगा, कैसे खुलेगा थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहे, तो एक बार क्या करना, सिम ट्रे को पहले आप निकाल लोगे, निकालने के बाद ये आप यहां डालोगे तो ऐसे करोगे ना तो टाइट लगेगा और वो फेंकेगा नहीं बाहर की ओर, तो समझना कि गर्म करके हमको खोलना पड़ेगा, और जब नाखून डालोगे ऑटोमेटिक ये फैलना शुरू हो जाएगा, तो समझना कि ये मेरा डायरेक्ट ये खुल जाएगा, समझे क्या नहीं। तो देखिए इस प्रकार से हम ये वाले फोन को खोल दिए, जो कि इन्फिनिक्स का फोन है। यहाँ पे जितने फोन है सब अलग अलग मॉडल का फोन है और अलग अलग फोनों को हम खोल रहे हैं, ठीक है। देखो उसके बाद आप देखो यहाँ पे मेरे पास एक और फोन है, इसमें भी देखो कहीं उचड़ने का कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर हम डालेंगे नाखून को और देखो ऐसे किए तो खुल रहा है ना, और ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आपका आराम तरीके से ये फोन क्या हुआ, खुल गया। यहाँ पर देखो लास्ट में जब यहाँ पर आते हो देखो यहाँ पे उचड़ने जैसा दिख रहा है, ये फोन को खोलने के लिए हमको गर्म करना होगा तब खुलेगा, गर्म करके इसको उचाड़ेंगे, उचाड़ने के बाद इसके अंदर नट होगा, क्योंकि जब ही हम इसको सिम ट्रे निकाल करके ऐसे खोलने का प्रयास करेंगे मेरा नाखून ही नहीं यहाँ पे जा रहा, दिख रहा है नाखून नहीं जा रहा, मतलब ये हार्ड है, मतलब इसमें नट लगा होगा। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे चढ़ाएंगे, इसको कुछ मिनट तक रखेंगे, गर्म होने देंगे हल्का सा, क्योंकि उसके पीछे ग्लू रहता है, ग्लू पिघल जाएगा ना तो खोलने में थोड़ा आसानी होगा। फोन को खोलने के लिए कुछ टूल्स का जरूरत पड़ता है, क्या टूल का जरूरत पड़ेगा तो हम दिखाएंगे। एक आप प्लेट रख सकते हो, ये दीजिएगा वहां पे 11D का टेम्पर्ड वाला, इधर इधर टेम्पर्ड वाला, हाँ पत्ता, हाँ एक आप ये रख सकते हो, ये तो हर मोबाइल दुकान में होता है ताकि आप इससे आराम तरीके से खोल सकते हो, एक ये। दूसरी चीज ये लिक्विड आप रख सकते हो, ये लिक्विड बड़ा काम का है, थोड़ा सा ग्लू को जल्दी से छुड़ाता है, खूब ज्यादा हीट नहीं करना, हिसाब भर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये लिक्विड को हल्का हल्का हम साइड साइड में डालेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का, ठीक है, इस तरीके से लिक्विड को हल्का हल्का हम डाल देंगे। यदि आप तरीके से खोलोगे तो अच्छे से खुलेगा, है ना। लिक्विड डालने के बाद ये वाले जो है ना इसको ऐसे लगाएंगे, क्योंकि ग्लास का बहुत सारा जगह में रहता है, ग्लास का भी पीछे का पैनल रहता है, तो ग्लास का पैनल आपका टूट जाएगा यदि आप सही से नहीं निकालोगे तो, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद हल्का सा यहाँ पे हम लिक्विड को डालेंगे, क्योंकि ये फोन बंद फोन नहीं है, ये चालू फोन है ना, संभाल के खोलना है।
अब ये लेंगे, इससे थोड़ा और अच्छा रहेगा, ठीक है। ध्यान देना है, ये जो है ना, ये इसका फोन का फिंगर है, क्या है? तो फिंगर का हो सकता बहुत में ऐसे पत्ता रहता है, तो हम यहाँ पे ब्लेड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम पत्ता को लेकर नहीं जाएंगे, हम ऐसे ऐसे साइड साइड करके निकाल देंगे, नहीं तो ये फिंगर भी कट सकता है, फिर वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। फिंगर आपको कस्टमर को लगा करके देना पड़ेगा, तो ये सब आपको ध्यान रखना। देखो हम यहाँ पे जाकर के रुक गए हैं, बर्तन है ना, अब हम चले जाएंगे इधर, ये बहुत जरूरी ध्यान है, नहीं तो फिर आपको 200 रुपए कमाने के चक्कर में 300 रुपए लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। ये सब अपना ध्यान रख करके काम करोगे। ये लिक्विड को हल्का सा देंगे यहाँ पे, और हल्का हल्का इसको देखो, लिक्विड को दिए तो जल्दी जल्दी ये ग्लू छोड़ता है, ठीक है। जब हल्का सा टाइट हो जाए तो आप हल्का सा हीट भी कर सकते हो, ठीक है। ये फोन को क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि ये फोन का फोल्ड जो आपका ग्लास है वो टूटा हुआ है, अंदर का फोल्डर सही है, इसीलिए हम इसको खोल रहे हैं, क्योंकि इसको कटिंग करके इसको बनाना है। अब हमारा यहां से यहां तक खुल चुका है, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, हल्का सा यहां पे लिक्विड को डालेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। कोई भी काम करोगे पेशेंस के साथ, हड़बड़ा के नहीं, ठीक ना। यदि आप हड़बड़ाओगे तो काम आपका गड़बड़ हो जाएगा। देखो अब कैमरा के पास में लिक्विड रहता है, वो लिक्विड के लिए यहां पे हल्का सा डालेंगे, गम रहता है ताकि वो आराम से छोड़े। देखो जैसे डाले वैसे आराम से छोड़ दिया, और इस तरीके से आपको खोलना है। ये जो फोन है, ये फोन बंद नहीं, ये फोन चालू फोन है, ठीक है। तो ये पीछे का पैनल को ऐसे खोलोगे, चिपकाने के समय में ऐसे डायरेक्ट आप चिपका दोगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम आपको बैक पैनल खोलने के लिए बताएं, फिर चलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।